हिंदी पाठमाला, नवीन संकल्प हिंदी पाठमाला सभी के लिए, इसका चैप्टर 13, चैप्टर 13 द लास्ट चैप्टर, आप लोगों को लास्ट अध्याय है, यहाँ तक ही एग्जाम होगा थर्ड टर्म। मेहनती चिड़िया आज मैं इसको पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी भी, तो आप लोग सभी मेरे साथ अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनिए रहिए भी। तो मेहनती चिड़िया, एक थी चिड़िया, आप लोग चित्र देख रहे होंगे, यहाँ चिड़िया है दो, जिसमें कौवे है देख ही रहे हो, और चिड़िया भी है, चिड़िया और कौवा, ठीक है। एक थी चिड़िया, एक था कौवा। एक दिन कौवा बोला, चिड़िया बहन आओ मिलकर खेती करें। चिड़िया बोली, ठीक कहते हो भैया, चलो दोनों मिलकर खेत जोत लेते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं चित्र में दो जन है, एक है चिड़िया और एक है कौवा, जो मिलकर बोल रहा है कि चलो हम लोग मिलकर खेती करें और मिलकर जोते भी जोत लेते हैं। तो यहाँ खेती करना मतलब अन्न उगाना शब्दार्थ यहाँ दिया हुआ है, जोतना मतलब हल चलाना। कौवे ने कहा, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। चुपड़ी मतलब घी लगी, तो तू चल मैं आता हूँ, जो घी लगा हुआ रोटी को मैं खाती हूँ और खा के पानी पी के उसके बाद हरी डाल पर बैठा हूँ। सो चिड़िया हल बैल लेकर खेत जोत आई, कौवा बैठा ही रहा। वो तो पहले ही बोल दिया कि हरी डाल पर बैठा हूँ, तो हरी डाल पे ही बैठा है। इस तरह देखा जाए तो चिड़िया हल चला के हल लेकर खेत को जोत के आ गए। आप लोगों को पहले से ही बोली हूँ मैं, खेती करना, जोतना मन मतलब क्या है, हल चलाना। कुछ दिन बाद चिड़िया बोली, चलो कौवे भाई खेत में बीज बोआए। तब क्या बोला कौवा, देखिए कौवा बोला फिर एक ही बात, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। यहाँ तक तो ठीक है, ठंडा पानी पीता हूँ, पर वो क्या करता है, हरी डाल पर बैठा रहता है, काम कुछ नहीं करता, ठीक है। इसके बाद देखना, देखो आप लोग चित्र को देख रहे होंगे, चिड़िया कैसे करके मेहनत कर रही है और खेत को जोता भी, अभी बीज भी बो रही है, सब कुछ बेचारी करती है। चिड़िया ने खेत में बीज बो दिए, कौवा नहीं आया। कुछ दिन में खेत में पौधे उग गए। आया चिड़िया ने कहा, चलो कौवे भाई खेत की निराई कर आए। निराई का मतलब घास फूस निकालना, जो चीज़ लगेगा नहीं, जो फालतू जो घास फूस रहता है उसको निकाल के बाहर कर देना। कौवे ने कहा, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। चिड़िया ने अकेले ही खेत की घास फूस उखाड़ फेंकी। कौवे ने ना आया था ना वह आया, ना आना था ना आया ना वो आया। थोड़े दिनों में बजरे के पौधे लहलहाने लगे, बजरे के पौधे देखिए आने लगे, तो उनमें बाले निकल आई, उन्हें दोनों का गुच्छा, ठीक है। फिर फसल पक कर तैयार हो गई। चिड़िया बोली, चलो कौवे भाई फसल पक गई है, उसे काट लाए। कौवे ने फिर अपनी पुरानी बात गहरा दोहरा दी। पुरानी बात, कौन सा पुरानी बात दोहराए, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ, ठीक है। पुराना बात ये, सीधी साधी चिड़िया चुपचाप फसल भी अकेले ही काट लाई बेचारी।
उसने दाने अलग किए और एक तरफ ढेरी लगा दी। वह कौवे के पास गई और बोली, कौवे भाई अब तो चलो फसल बांट लो। देखो कितना मेहनत करी, पूरा काम करी, सब कुछ वो अकेला ही करी। उसके बाद मेहनत का फल इतना सीधा साधा था कि मेहनत का अपना मेहनत का फल बांटने भी चला। कौवे फिर उठाकर चल दिया। कौवे उस समय चल दिया। दोनों ने बजरा आधा आधा बांट लिया। चिड़िया अपने हिस्सा का दाना उठाकर घर ले आई। कौवे ने हिस्से के दाने वहीं पड़े रहे क्योंकि वो तो मेहनत नहीं किया, उसका मेहनत का फल उसको क्या पता। पर चिड़िया अपना जो दाना था उसको उठा के अपना घर लेके आई। वह बोला, मैं अपना हिस्सा कल ले जाऊंगा। तो कल लेके जाएगा। उस रात को खूब पानी बरसा। कौवे के हिस्से के सारे दाने बह गए। कौवा काव काव करता रहा, बह गया। तो कौवा उस टाइम में क्या किया, काव काव करते रहा, बह गया। तो बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि एक चिड़िया शुरुआत किया था कौवा कि चलो बहन मिलकर खेती करें, पर कुछ तो किया नहीं चिड़िया, पूरा मेहनत किया, जोता, पूरा खेती को जोता, उसके बाद उसको खेती में फसल लगाया, निराई किया, फिर उसको काटा, काट के उसको अलग अलग किया, इस उसके बाद फिर हिस्सा भी इतना अच्छा चुपचाप दोनों अलग अलग फसल को बांट भी लिया, इतना कुछ किया। तो मेहनती चिड़िया, तो इसमें इस जो ये जो अध्याय में नाम दिया है ये सही नाम है कि मेहनती है कौन, चिड़िया। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छा से घर में इसको अध्ययन कीजिए जिससे और भी अच्छा से आप लोगों को याद रहे। ठीक है बच्चों।